नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबीएन न्यूज। खबर कैमूर जिले से है। कैमूर जिले के दुर्गावती नदी इस समय उफान पर बह रही है। आपको बताते चले कि दुर्गावती नदी का जलस्तर बढ़ जाने से क्षेत्र के सैकड़ों बीघा धान की फसल पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। लगातार झमाझम हो रही बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी है। तेज बारिश के कारण दुर्गावती नदी खतरे के निशान पर बह रही है। दुर्गावती नदी का जलस्तर और भी बढ़ा तो किसानों की मुश्किलें काफ़ी बढ़ सकती है। किसान इस वक्त काफ़ी सदमे से गुजर रहे हैं। क्षेत्र के किसान रामराज ने बताया कि अभी हाल में ही धान की रोपनी हुई है और तेज बारिश होने से दुर्गावती नदी खतरे के निशान पर बह रही है। हम लोग किसी तरह से पैसा इकट्ठा करके मलगुजारी रेहन लेकर खेती करते हैं, मगर हर साल नदी उफान पर होने से हम लोगों का फसल पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। फसल बहुत नुकसान हुआ है। अच्छा, दुर्गावती नदी है, प्रखंड दुर्गावती है। हाँ, लगभग कौन सौ बीघा फसल डूबा हुआ है? अरे कितना में बहुत सब डूबा है, हजार बीघा पार हो जाएगा, हजार बीघा डूबा। अच्छा अच्छा, तो बाग पानी अगर नहीं निकलेगा तो धान की फसल पूरी, धान की फसल चल जाएगी सबकी, किसान को। और सभी जो सिवाना जो बधार दिख रहा है, ये सब फसल धान की रुपाई हो चुकी है? धान का एकदम टोटल रुपाई हो चुकी है। उधर रुपा है तभी डूब रहा है। बाबा बाढ़ कब आई है? बाढ़ कल आई है, रात कल से ही आई है। ये कौन सी नदी है बाबा जिससे पानी? ये दुर्गावती नदी है। अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? रामराज। सरिया बाटे आ बाढ़ आयल बा चार दो तीन दिन का, आ कुल धान डूब गल बा, घर में पानी अब जाए वाला बटले न बा, आ पानी चल जाए, अब खेले पीने आदमी का करे, यही तरह बाना आदमी रोड पर ठड़ा, परेशानी बा, परेशानी बा। कोरोना भी काल बीतल ही कुल कोरोना बीतल, तब से बाढ़ ही आ गई, आदमी परेशानी कह के अपन कैसे कर ना, तब ले खाद पानी के जोगाड़ करना, तले कुल धान डूब गल, तब का खाल जाए, पानी की निकासी नहीं हो जाए, धान गल जाए। हाँ, अब कहाँ निकासी बचारे और पानी से डूबले बा। नदी ज्यादा पानी फेंकत भी कि नदी कम होत भी नहीं चढ़त है नदी? अच्छा अच्छा, पानी की बहुत ज्यादा होत बा। हाँ, अब रात भर में अब हमने का रोड हाई कुल जन लौका था, तन कुल डूब जाए, अब आदमी घर घर छेका जाइए। आप लोग गांव में कैसे जाई जाए? पानी तो ज्यादा लगल बा, रास्ता में पानी बाटे, तब पौड़ के जाए हैं आदमी, जब पौड़े वाला बात है नहीं के पौड़े वाला थे, अपने जहाँ बा तहाँ रहे। कौन गांव पड़ी बता दी? सरिया। का नाम पड़ी आपको? नेबुला देवी।